أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। जैसा कि आज हम जिस वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, हमारी कोशिश रही है कि यूट्यूबर्स जो भी हैं दोस्त हैं काफ़ी, उनकी रहनमाई के लिए SEO के हवाले से जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें काफ़ी सारे दोस्तों को ऑप्शन समझ में नहीं आते और काफ़ी कमेंट्स भी हुई और काफ़ी दोस्तों की मशावरत के बाद हमने SEO की क्लिप बनाई है। इसमें जो चीज़ें हमारे इल्म के मुताबिक समझ में आई है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उससे दूसरे भी साथी हमारे यूट्यूबर्स फ़ायदा हासिल कर सकें। उनके साथ ऐसे मसाइल हैं जिनके हमारे पास हल है या कुछ चीज़ हमारे पास मालूम हो तो उनके मसाइल हल हो। यूट्यूब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से ये क्लिप है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं, टैग्स हैं, कीवर्ड्स हैं, सारी अंदर जो डिटेल्स हैं इस वीडियो में हैं। कोशिश करेंगे कि हम सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करें, अगर रह भी जाती हैं तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लिप भी बनाएंगे इसके ऊपर। तो स्टेप नंबर वन है यूट्यूब कीवर्ड्स रिसर्च। यूट्यूब कीवर्ड्स की जो रिसर्च तलाश है उसकी स्टेप नंबर वन है कि यूट्यूब कीवर्ड्स की जो तलाश है उसको जारी है, ठीक है। यूट्यूब हम इसलिए उर्दू में बात कर रहे हैं कि काफ़ी लोगों की इंग्लिश जो है इम्प्रूव नहीं है, उनको बातें समझ में नहीं आती, इसलिए हम कोशिश करेंगे उसको उर्दू में भी आपको ब्रीफ करते चलेंगे। द यूट्यूब SEO प्रोसेस बिगेंस विथ वीडियो कीवर्ड रिसर्च। यूट्यूब की जो SEO है जो प्रोसेस स्टार्ट करती है, शुरुआत करती है अपना प्रोसेस काम की, तो उसमें वीडियो के जो कीवर्ड्स होते हैं उसकी तलाश के ज़रिए होती है। हेयर्स एक्सैक्टली हाउ टू फाइंड द राइट कीवर्ड्स फॉर यूअर यूट्यूब वीडियोज़। इतने यहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा मतलब फाइंड किया गया कीवर्ड्स कौन से सही हैं जो यूट्यूब वीडियोस के लिए प्रोमोट करें। फर्स्ट जनरेट अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आइडियाज। आप पहले जो कीवर्ड्स लगा रहे हैं अपनी वीडियोस में, अपने ख्याल के मुताबिक आप जो कीवर्ड्स लगा रहे हैं उसकी आपने सर्च करनी है, उसको तलाश करनी है कि जो हम कीवर्ड्स लगा रहे हैं वो कितने हमारे लिए बेहतर होंगे ना, उसकी रिसर्च आप करें, जनरेट करें और उसकी लिस्ट को किस तरीके से कीवर्ड्स। यू फर्स्ट स्टेप इज़ गो टू द जनरेट इज़ अ बिग लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कीवर्ड्स। पहले तो आप एक लिस्ट बनाएं, फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में आप अपनी एक लंबी सी लिस्ट बनाएं जो कीवर्ड्स पोटेंशियल हो, मतलब मजबूत कीवर्ड्स हों, उसकी आप लिस्ट बनाएं, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद जो दूसरा जो आपका स्टेप है उसमें आई विल हेल्प यू फाइंड द बेस्ट कीवर्ड्स फ्रॉम योर लिस्ट। मैं आपकी मदद करूंगा कीवर्ड्स के हवाले से, मैं आपकी मदद करूँगा कीवर्ड्स के हवाले से कौन से आपकी लिस्ट में से बेहतर हैं, ठीक है। Here is how to find keywords for your YouTube videos। यहाँ पर कौन से keywords जो हैं अच्छे तलाश किए जाते हैं YouTube videos के लिए। One of my favorite strategy is to use the YouTube search suggestion features, suggest features। इसमें से जो मेरी पसंदीदा जो strategies है उसमें यह है कि YouTube सर्च सजेस्टेशन फीचर्स, YouTube की जो सर्च होती है जिसको सजेस्टेशन में रेफ़र करता है YouTube, वो उसमें बेहतरीन है स्ट्रेटेजी। ऑल यू नीड टू डू इज हेड ओवर टू YouTube एंड पॉप इन वर्ड और फ्रेसेस। ऑल यू नीड इट्स
सबसे बेहतर जो है हेडओवर ऊपर से जो चीज़ आपको ज़रूरत में आती है यूट्यूब सर्च पॉप इन वर्ड्स, जो अल्फाज जुमले होते हैं, जो फेरेसिस होते हैं, वो ऊपर जो दिखाए जाते हैं उनको ज़्यादा फोकस रखा जाए। ऑल यू नीड टू डू इज हेड ओवर टू यूट्यूब एंड पॉप इन अ वर्ड और फ्रेसिस। हर किसी की ज़रूरत होती है कि जो टॉप में हो यूट्यूब सर्च में, उसके अल्फाज हों या उसका कोई मुहावरा हो, ऐसा कोई हो तो उसको सर्च किया जाए। एंड यूट्यूब विल हैंड यू बंच ऑफ कीवर्ड्स रिलेटेड टू व्हाट यू टाइप्ड। यूट्यूब आपको बहुत सारी चीज़ें देगा, कीवर्ड्स एंड यू अ बंच ऑफ कीवर्ड्स, बहुत सारे आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगा जो आपके रिलेटेड, जो आपने टाइप किया है उससे वो रिलेटेड होंगे, उसके हिसाब से आपको लातादात कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगा। जिस तरीके से ये पब्लिक स्पीकिंग हमने यूट्यूब के ऊपर लिखा सर्च में, तो नीचे से आ गया पब्लिक स्पीकिंग टिप्स, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग एनिस्टी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग टेड टॉक्स, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस क्लास, पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन, पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स, पब्लिक स्पीकिंग फॉर किड्स, पब्लिक स्पीकिंग। इसी तरह से आपको यूट्यूब पर जब आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तो इसी तरह से यूट्यूब आपको लातादात कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगा। इसको आप कीवर्ड्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, आप अपने टॉपिक से जो वर्ड्स भी बिलोंग करते हैं तो उसको आप कीवर्ड्स में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से यूट्यूब आपको लातादात अल्फाज कीवर्ड्स के लिए देगा। उसके बाद है दीज सजेस्टेड कीवर्ड्स आर ग्रेट, यही वो अल्फाज कीवर्ड्स हैं जो बहुत ही कामयाब हैं इस आपके यूट्यूब चैनल के लिए, यही सजेस्टेड जो अल्फाज किए गए हैं, कीवर्ड्स किए गए तो ये बहुत बेहतरीन हैं और कारामद साबित होंगे। वाई, अब ये कैसे होगा, ठीक है, बिकॉज दीज आर टर्म्स दैट पीपल एक्चुअली टाइप इनटू यूट्यूब, क्योंकि ये जो एक रूल है यूट्यूब का, जो चीज़ यूट्यूब पर ज़्यादा टाइप होगी, ऑलरेडी टाइप होगी यूट्यूब सर्च बार में, वही चीज़ें आपको यूट्यूब प्रोवाइड करेगा। जिस चीज़ को सर्च किया जा रहा है यूट्यूब में, वही चीज़ें आपको यूट्यूब प्रोवाइड करेगा वर्ड्स कीवर्ड्स के लिए। सो देयर आर नो नीड टू वंडर इफ़ दे आर पॉपुलर और नॉट, इसीलिए ये ज़रूरत है, नो नीड, उसको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको मशवरा किया जाए। इफ़ यूट्यूब सजेस्टेड देम टू यू, अगर यूट्यूब ने आपको जिस चीज़ के बारे में सजेस्टेड किया है, दे आर 100%, जो चीज़ आपको यूट्यूब ने सजेस्ट की है वो 100% सही है, क्योंकि यूट्यूब में ही चीज़ें सर्च होती हैं। जब आप टाइप करेंगे तो उस कैटेगरी के जो चीज़ें पहले सर्च हुई हैं या हो रही हैं तो वो आपको लफ्ज प्रोवाइड करेगा कीवर्ड्स के लिए। उसके बाद यू कैन आल्सो गो टू अ पॉपुलर वीडियो इन योर नीच, यू कैन आल्सो गो टू पॉपुलर, इसी तरीके से आप पॉपुलर वीडियो के साथ अपनी वीडियोज़ को एड में ला सकते हैं एंड कापी द सेम कीवर्ड्स That video is optimized around, जो वीडियो चारों तरफ से YouTube पर घूम रही है उसी के कीवर्ड सेम आपको मिलेंगे और उसी के वीडियो के साथ सजेस्टेशन में आप जा सकते हैं और पॉपुलर वीडियो के साथ आप ऐड हो सकते हैं, YouTube ही आपको उसमें ऐड करवाने के लिए सजेस्टेशन कीवर्ड प्रोवाइड करता है। As you probably know, आप जानते हैं कि कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ की पार्ट ऑफ यूट्यूब SEO। अब आप बेहतर जानते हैं इसके बारे में कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो की है, जो ऑप्टिमाइजेशन की जो की है आपकी
हिस्सा, जो की का जो हिस्सा, जो मतलब चाबी है आपकी YouTube SEO की, वो है कीवर्ड। कीवर्ड जो चीज़ है वो YouTube SEO की एक चाबी है। सो इफ अ वीडियो हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ व्यूज़, इसी तरह आपकी वीडियो लातादाद व्यूज़ ला सकती है। चांसेस आर उसके ज़्यादा चांसेस हैं व्यूज़ के, दैट वीडियो इज़ अ प्राइस अराउंड अ पॉपुलर कीवर्ड्स। जब आपकी वीडियो पॉपुलर कीवर्ड्स के अराउंड घूमेगी, उनके साथ घूमेगी, तो लाजमी उसके चांसेस हैं कि व्यूज़ ज़्यादा आए। जब व्यूज़ ज़्यादा आए तो वॉच टाइम होगा, वॉच टाइम होगा तो आपको सजेस्टेशन में, यूट्यूब सर्च में, इसी तरीके से आपकी वीडियो ज़्यादा वायरल होने के चांसेस हैं। ये आपको जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, सजेस्टेड कर रहा है, ये आपको यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है टू एक्सिक्यूट दिस स्टेप। गो टू एन अदर चैनल एंड यू आर नेच, इसी तरह से आप दूसरे चैनल्स को भी उनकी उससे मतलब पॉपुलर जो चैनल्स हैं उसके साथ भी आप के वीडियोस वायरल हो सकती हैं। देन सॉर्ट देयर वीडियोस बाय मोस्ट पॉपुलर, इसी तरह आपकी वीडियोस बहुत पॉपुलर बन सकती है, मोस्ट पॉपुलर बन सकती है, डेट एडेट ओल्डेस्ट डेट, डेट एडेट न्यू एडेस्ट, दिस विल शो यू देयर वीडियोस दैट हैव जनरेटेड द मोस्ट व्यूज़। इसी तरीके से आपकी वीडियोस ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सकती है, जनरेट कर सकती है, ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सकती है। इससे साफ जाहिर है कि आपकी ज़्यादा वीडियो जो है जनरेट व्यूज़ कर सकती है। तो बट इन जनरल इफ़ द वीडियो इज़ एन यू आर एच इट विल वर्क। ये मगर ये चीज़ आम है कि अगर आपकी वीडियो है इसी तरीके से तो इंशाल्लाह वर्क करेगी। फाइनली सी वॉच की वर्ड्स दैट वीडियो इज ऑप्टिमाइज अराउंड, आखिर में ये कि आपके की वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो अराउंड ऑप्टिमाइजेशन वीडियोस के साथ घूमें। दिस इज़ ईजी, ये आसान काम है अगर आप इसी को फॉलो करें तो। जस्ट चेक आउट द की वर्ड्स दैट वीडियोस यूज इन टू टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो टैग्स। इसको आप कीवर्ड्स को आप चेक करें, जस्ट चेक ऑन कीवर्ड्स वीडियो यूजेस, उन कीवर्ड्स को आप टाइटल डिस्क्रिप्शन और वीडियो टैग्स में ऐड करें उन कीवर्ड्स को, ठीक है। टू सी अ वीडियोस टैग्स, वीडियो टैग्स आप देखें, आई रिकमेंडेड द VIDQ शोरूम एक्सटेंशन, इट शोज यू अ वीडियोस टैग्स राइट ऑन द पेज। यू कैन ऑल्सो फाइंड सम एक्सीलेंट कीवर्ड्स इन यूर यूट्यूब, इसी तरीके से आप तलाश करते हैं बहुत ज़बरदस्त कीवर्ड्स, आप यूट्यूब से तलाश कर सकते हैं। ट्रैफिक सोर्सेस यूट्यूब सर्च, इसी तरीके से आपके जो जो ट्रैफिक आपकी सर्च होगी वो यूट्यूब सर्च में आपकी ट्रैफिक सोर्सेज होगा। रिपोर्ट्स दिस रिपोर्ट्स शो यू ऑल द कीवर्ड्स दैट यूट्यूब यूजर्स हैव सर्च्ड फॉर टू फाइंड योर वीडियोस, इसी तरीके से इन्हीं कीवर्ड्स के जरिए आपके यूट्यूब को ज़्यादा सर्च किया सकता है, यूट्यूब पर आपकी वीडियो को सर्च किया जा सकता है। ट्रैफिक सोर्सेज हैं ये आप देख सकते हैं, इसमें टोटली यूट्यूब SEO है, CEO ट्यूटल है, मैकफोन ब्रांड, लेकिन इसी तरीके से कीवर्ड रिसर्च है, हाउ टू द सर्च है, इसमें आप देख सकते हैं कि CEO टॉप में है। इन मैनी केसेस दीज आर कीवर्ड्स, इन मैनी केसेस दीज आर कीवर्ड्स आर ऑलरेडी नो अबाउट बिकॉज यू ऑप्टिमाइज योर वीडियोस अराउंड देम। बहुत सारे ऐसे वीडियोस में ये कीवर्ड्स जो हैं ये ऑलरेडी आप जानते हैं ऑप्टिमाइज के लिए अराउंड घूमते हैं, बट सम टाइम्स यू विल फाइंड अ हैंडफुल ऑफ कीवर्ड्स दैट यू नेवर वुड हैव थॉट ऑफ। काफ़ी दफ़ा ये इसको तलाश किया जा सकता है, हैंडफुल ऑफ कीवर्ड्स दैट यू
कभी आपने नहीं देखा होंगे ऐसे कीवर्ड जो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी सोच और ख्याल में भी नहीं होंगे ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ पर सर्च में मिलेंगे यूट्यूब पर। फॉर एग्जांपल, हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ कीवर्ड्स आई फाउंड इन माय ट्रैफिक सोर्सेज रिपोर्ट। मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल लेते हैं कीवर्ड जो हमने तलाश किया है ट्रैफिक सोर्स रिपोर्ट के ज़रिए, हैव नेवर फाउंड यूजिंग एन अदर स्ट्रेटजी बट आई नो दैट पीपल। ये एक कीवर्ड है जो हमने कभी तलाश नहीं किया था, इस्तेमाल नहीं किया था तलाश के लिए स्ट्रेटजी है, बट आई नो दैट पीपल डेट पीपल। सेकेंड फाइंड द बेस्ट कीवर्ड फ्रॉम द लिस्ट। दूसरी ये बात हम है कि जब आप तलाश करेंगे तो आपको अच्छे कीवर्ड्स इस लिस्ट में से मिल जाएंगे जो आप सिलेक्टेड करें इसी तरीके से। नाउ दैट यू हैव जनरेटेड अ लिस्ट, अब अपनी आपने लिस्ट जनरेट कर ली है ऑफ कीवर्ड्स, इट इज़ टाइम टू चूज द बेस्ट वन फ्रॉम योर लिस्ट। अभी आपको लिस्ट प्रोवाइड हो चुकी है, जनरेट कर लिए अपने कीवर्ड्स की, अब आप इसमें से अपनी पसंद के कीवर्ड्स सिलेक्ट कर सकते हैं और वो लगा सकते हैं। स्पेशली यू वांट टू टारगेट, ख़ास तौर पर आप जिस चीज़ पर आपका टारगेट होता है, जो आप करना चाहते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स, इसी तरीके से आप उसमें से कंपटीशन वर्ड्स भी ले सकते हैं। दिस इज़ स्पेशली important if your channel does not have that many subscribers। ख़ास तौर पर इस चीज़ पर ख़ास अहम है कि अगर आपके चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, इफ़ यू सेविंग फॉर द fences and go after competitive keywords, your video is gonna get buried in the सर्च रिजल्ट। इस तरीके से आपके इसको फॉलो करने से आपके कॉम्पिटेटिव एड्स आप यूज़ करेंगे तो आपकी वीडियो जा सकती है सर्च रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। इंस्टेड यू वांट टू फाइंड, इसी तरीके से आप तलाश कर सकते हैं कीवर्ड्स दैट डोंट हैव अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, इसी तरीके से वो अल्फाज भी तलाश किए जा सकते हैं जिसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना हो। हाउ डू यू चेक, इस तरीके से आप किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ऑल यू नीड टू डू इस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो मुमकिन है आप कर सकते हैं, सर्च फॉर यूर कीवर्ड्स इन गूगल, आप अपने कीवर्ड्स गूगल में भी तलाश कर सकते हैं, इसलिए चेक कर सकते हैं। दिस नंबर ऑफ रिजल्ट्स द ट्यूटर और टोटल नंबर ऑफ वीडियोस इन यूट्यूब अबाउट दिस दैट टॉपिक, इसी तरीके से आप वहाँ पर शो किया जा सकता है कि कितने वीडियोस यूट्यूब पर इस टॉपिक पर बने हैं। द हायर दिस नंबर ऑफ द मोर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड इज, सो यू वांट टू टारगेट कीवर्ड्स दैट हैव अ लो अबाउट रिजल्ट्स नंबर, जब आप उसको तलाश कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा उस कॉम्पिटिटिव वर्ड्स में कौन ज़्यादा है और कौन लो है, हाई है या कोई लो है, अबाउट रिजल्ट्स के बारे में आप गूगल से भी मालूम कर सकते हैं, हाउ लो शुड यू गो, कैसे वो मतलब लो होता है, लो की तरफ जा रहा है। एवरी इंडस्ट्री इज़ डिफरेंट, हर चीज़ की अपनी इंडस्ट्री मुख्तलफ होती है हर एक काम का, सो आई कैन नॉट गिव यू ए स्पेसिफिक नंबर, मैं आपको एक नंबर नहीं दे सकता इसलिए टू शूट फॉर उसको टारगेट करने के लिए, जस्ट फोकस ऑन चूजिंग कीवर्ड्स दैट हैव लो कंपटीशन फॉर यूअर नीच, इसी तरीके से आप फोकस कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कीवर्ड्स उसमें लो कंपटीशन वाले से। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई सर्च फॉर यूट्यूब सीईओ देयर आर 1 crore 15 lakhs रिजल्ट्स। एक मिसाल के तौर पर व्हेन आई सर्च फॉर यूट्यूब, जब आप गूगल के ऊपर यूट्यूब सीईओ को सर्च करेंगे तो कम से कम इतना फिगर्स आपको रिजल्ट मिले, इतनी दफ़ा सर्च हो गया है, अबाउट रिजल्ट हैं ये, दैट्स अ लॉट, ये तो बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ आई वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट
I would try a few other keywords like YouTube ranking factors. ये बहुत इसलिए मैं स्टार्ट करूँगा, आई वुड ट्राई टू फ्यू अदर कीवर्ड्स, उसके साथ अदर कीवर्ड्स भी लगाएंगे लाइक रैंकिंग फैक्टर्स, जिस तरीके से वो यूट्यूब बिंगो दैट कीवर्ड ओनली हैज 45,100 रिजल्ट्स। अब आप देख सकते हैं उसमें और किसमें कितना रिजल्ट में फ़र्क है। And that means that keywords this keyword much less competitive. इसी तरीके से ये अल्फाज बहुत competitive है, low performance. Finally a bonus tip, आखिर में आपको एक bonus tip, search for your keyword in Google. अपने topic के मुताबिक Google से अच्छे keywords तलाश करें, यही आपकी bonus tip है. Most views on YouTube कम फ्राम विद इन यूट्यूबर्स प्लेटफॉर्म, अगर आप ज़्यादा व्यूज़ चाहते हैं यूट्यूब पर तो आपको ये चीज़ करना होगी विद इन यूट्यूब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, ऐसा आपको मोस्ट व्यू के लिए आपको करना होगा। बट डोंट स्टॉप देयर, उसको रोकना नहीं है। योर वीडियो कैन गेट 2 to 5x मोर व्यूज़ इफ़ यू कैन आल्सो गेट इट टू रैंक इन गूगल, आपको ज़्यादा व्यू गूगल पर मिल सकते हैं ऐसे। हाउ वो कैसे हो सकते हैं, द ट्रिक इज़ टू ऑप्टिमाइज यूअर वीडियोस अराउंड कीवर्ड्स दैट ऑलरेडी हैव वीडियो रिजल्ट्स इन गूगल। ये जो ट्रिक है ऑप्टिमाइज यूअर वीडियोस, आपकी वीडियो के चारों तरफ से वो कीवर्ड्स घूमते हैं, इसीलिए दैट ऑलरेडी वीडियो हैव रिजल्ट, उस वीडियो के पास ऑलरेडी रिजल्ट हासिल कर चुके हैं, उसके आसपास आपकी वीडियो घूमती है, सर्चेस में होती है। यू सी, आप देख सकते हैं गूगल ओनली इंक्लूड्स वीडियोस इन द सर्च रिजल्ट्स फॉर सर्टेन कीवर्ड्स, गूगल भी इसी तरीके से प्रोवाइड करती है वीडियोस को सर्च रिजल्ट में, जिनके कीवर्ड्स की बुनियाद पर उसको तलाश किया जा सकता है, नतीजे उसके कीवर्ड्स के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। अनलाइक अ नॉर्मल फर्स्ट पेज विथ 10 वेब पेज रिजल्ट्स फॉर सर्टेन कीवर्ड्स, गूगल रिजर्व्स अ गुड chunk of the first page of our video result. जिस तरीके से अनलाइक नॉर्मल होता है, आमतौर पर फर्स्ट पेज विथ 10 पेज रिजल्ट, एक पेज पर विथ 10 वेब पेजेस 10 पेजों की रिजल्ट होती है, यह काम बता देता है सर्च कीवर्ड्स गूगल रिजल्ट गुड कर, गूगल किस को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है, अल्फाज को किस तरीके सर्च कर रहा है, द फर्स्ट पेज वीडियो ऑफ रिजल्ट, उसमें से 10 पेजों में से जो फर्स्ट पेज लाएगा वो लाजमी उसको लेकर आएगा जिसमें ज़्यादा सर्चेस होगी, ये काम बात है। कीवर्ड्स, हाउ टू कीवर्ड्स, हाउ टू मेक कोल्ड ब्रू कॉफ़ी, इसकी कैसे हाउ टू कीवर्ड कैसे हासिल किए जाए, हाउ टू मेक कोल्ड ब्रू कॉफ़ी के रिव्यूज, बीट्स बाय ड्री रिव्यू ट्यूटोरियल्स सेटिंग अप वर्डप्रेस, एनीथिंग फिटनेस और सॉप स्पोर्ट्स रिलेटेड, कार्डियो, किकबॉक्सिंग, फनी वीडियोस, क्यूट एनिमल्स, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, ये खास क्यों है, वेल लेट अस से यू ऑप्टिमाइज योर वीडियोस अराउंड अ कीवर्ड दैट डज नॉट हैव एनी वीडियो रिजल्ट्स इन गूगल, in that case you will only get traffic from people searching on YouTube. ये इसलिए है कि ऑप्टिमाइज अराउंड द वीडियो, आपके अराउंड वीडियो के आसपास सजेस्टेशन के थ्रू वो कीवर्ड्स नहीं चलते जो रिजल्ट गूगल पर है या नहीं, इन दिस वीडियो इन दिस केस, ऐसे केसों पर ओनली ट्रैफिक फॉर द पीपल सर्चिंग, वो सिर्फ YouTube पर अगर सर्च करेंगे तो वही आपको ट्रैफिक सोर्स में मिल सकेंगे। द क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू फाइंड दिस मैजिकल कीवर्ड्स, एक सवाल है कि जिस तरीके से जादू वाले कीवर्ड्स किस तरह तलाश किए जा सकते हैं, ऑल यू नीड टू डू सर्च फॉर वन ऑफ द कीवर्ड्स यू फाउंड इन द लास्ट स्टेप, हर किसी को ज़रूरत होती है उस पर सर्च करने की एक कीवर्ड्स की जो फाउंड किया जाए आखिरी स्टेप में, देन सी इफ एनी ऑफ द कीवर्ड्स, कोई भी आप कीवर्ड्स हो तो देख सकते हैं, यू सर्च इट फॉर हैव यूट्यूब
वीडियो रिजल्ट्स लाइक दिस। इसी तरीके से आप कीवर्ड्स देख सकते हैं जो सर्चेस में यूट्यूब में वीडियो रिजल्ट्स में हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अभी हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अभी काफ़ी मवाद हमारा ब्रेक में है, कुछ रह गया है। इंशाल्लाह आइंदे जो वीडियो है वो टैग्स कर पे। आज जो हम कीवर्ड्स के ऊपर हमारा टॉपिक चला है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, लेकिन हम कीवर्ड्स को अभी भी कीवर्ड्स की काफ़ी चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में, और इसी तरीके से मुकम्मल कोशिश करेंगे हम एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करें, अच्छे तरीके से एक एक चीज़ आपको समझाएं, ताकि आपका जो चैनल है उस पर आप अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से काम कर सकें। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो बहुत शॉर्ट करूं, लेकिन जो मवाद है वो इम्पोर्टेंट बड़ी हैसियत रखता है। एक बंदे को 5 बातें समझ में आती हैं, एक को 3 आती हैं, एक को 1 आती है, तो इसलिए कोशिश करेंगे जो हमारे पास मवाद एज पॉसिबल जैन अच्छी चीज़ें मिल रही हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लिप में आपके साथ ज़रूर मिलेंगे, और कोशिश होगी हमारी कि आप सीओ बेहतर करें, बेहतर से बेहतर करें, ताकि आपका चैनल भी ज़्यादा रैंक करे। जब आपका चैनल ज़्यादा रैंक करे तो लाजमन आप अर्निंग करें, और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशादगी रिज़्क में अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।